क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हरियाणा के तत्वाधान में आयोजित होने वाला पहला इंटरनेशनल गर्ल्स अंडर 23 और 31st ऑल इंडिया बॉयज अंडर 15 डे नाइट नेशनल लीग क्रिकेट चैंपियनशिप और उसी में शहीद भगत सिंह ट्रॉफी के अनावरण के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पधारी मेरी बड़ी बहन, मेरी बहुत ही आदरणीय बड़ी बहन, कालका विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा की विधानसभा में माननीय विधायक और बहुत ही कर्मठ और दुधारू जनप्रतिनिधि और बहुत ही अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आदरणीय लतिका शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री पीयूष राणा जी, सेक्रेटरी जनरल AIWTCA, श्री आर पी सिंह जी, चीफ कोच पंजाब, श्री अमरजीत कुमार जी, सेक्रेटरी जनरल साहब, श्री गिरीश बनोट जी, चीफ कोच पंजाब यूनिवर्सिटी और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई सभी हमारी बड़ी बहन लतिका शर्मा जी की पूरी टीम, ये सभी आदरणीय सदस्यगण और उपस्थित पत्रकार छायाकार मित्रों, ये वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही संतोष की बात है। ये जो हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार जो पिछले 3.5 वर्षों से लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सफल कर रही है, कि आपने इसमें एक तीसरा आयाम जोड़ा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि आगे बढ़कर के बेटी खिलाओ, कि बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी और बेटियां खेलेंगी। और इसमें बेटियों ने साबित किया है दुनिया के हर क्षेत्र में, विशेष रूप से हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने, चाहे वो दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, हमारी बेटियां उसमें अग्रणी हैं। भारत की सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए तीनों सेना के अंगों में हरियाणा प्रदेश की बेटियां उसमें अग्रणी हैं। और आज कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहा है, उसके अंदर भी अभी तक के जितने गोल्ड मेडल्स और सर्वाधिक गोल्ड मेडल जितने जीते हैं उसमें मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा वो बेटियों ने जीते। विश्व की सौंदर्य प्रतियोगिता हो तो हमारी बेटी विश्व सुंदरी के तौर पर वो खिताब जीत करके आई है। कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जिसमें बेटियां न केवल अव्वल है, न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान का नाम विश्व में ऊंचा कर रही है। और खेल के क्षेत्र में हम सब ने देखा कि चाहे वो हॉकी से जुड़ा हुआ खेल हो, चाहे वो कुश्ती हो, अब कोई फिल्म ऐसी नहीं बनती है खेलों के संबंध में जिसमें बेटियों को, जो बेटियों ने कारनामे करके दिखाए हैं उनके ऊपर वो फिल्म जो है आज बन करके सफल हो रही है। तो समाज में एक नई जागृति आई है, एक नई चेतना आई है। और क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का एक लोकप्रिय खेल है, भले ही दुनिया के कुछ ही देशों में खेला जाता है, लेकिन इस खेल ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन में पर आकर्षित किया है, प्रभावित किया है। IPL का टूर्नामेंट भी शुरू हुआ है, वो उसके साथ साथ क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हरियाणा ने अपने स्तर पर जो कई सालों से क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और विभिन्न टूर्नामेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, एक बहुत ही जिसको कहते हैं इनोवेटिव थिंकिंग के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2020 और गर्ल्स का टूर्नामेंट कराने की सोच आपकी बहुत ही सराहनीय है, मैं उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। भारत की टीम, श्रीलंका की टीम, नेपाल की टीम, बांग्लादेश की टीम, UAE की टीम, ये 5 देशों की टीम और हमारे हरियाणा के पंचकुला में पधारे या अपने ट्राई सिटी में पधारे, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं पूरी आयोजन समिति के जो सब साथी हैं, मुझे आपके अनुभव पर, आपकी योग्यताओं पर, आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है कि आप इस टूर्नामेंट को सफल करेंगे और इस टूर्नामेंट को आप हर प्रकार से इसको यशस्वी करेंगे।
हमारे आने वाले मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी आप करेंगे, अच्छा खेल खेलने के वातावरण में उनको खेलने का अवसर देंगे, बल्कि जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव की संस्कृति के आधार पर उन्हें ऐसे अनुभव लेकर के जाए कि वो जीवन भर याद रखे कि हमें पंचकूला में और स्ट्राई सिटी के अंदर हम इस टूर्नामेंट में गए थे तो हमें किस प्रकार का हमारा आतिथ्य सत्कार हुआ था, एक शानदार टूर्नामेंट की याद वो लेकर के जाए। उस नाते से लतिका शर्मा जी के नेतृत्व में मुझे मालूम है कि कहीं पर कोई कमी नहीं रहने वाली है, और मैंने बहन जी को हमेशा ही अधिकार दिए हैं कि वो जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे वो मेरे डिस्क्रिशनरी कोटा का पूरा अधिकार बहन जी के पास है, तो जैसा उचित समझेंगी मुझे आदेश दे देंगी और वो आपके पास जो है 24 घंटे भीतर मेरी तरफ से उसका कहने की जरूरत है कि जो बहन जी ने कह दिया वो हो जाएगा, जब उनका अधिकार है और उस अधिकार की कोई सीमा नहीं है। इनका जो स्नेह है जिस तरह से सबको जोड़ करके रखती है, जिस तरह से ये मैं इनको उस रूप में देखता हूं कि करती है आप और सबका नाम करती रहती है और नाम दूसरा प्रेम दूसरों को देती है। मैंने बहुत कम विरले ही लोग राजनीतिक क्षेत्र में से देखे हैं जो खुद करते हैं, खुद सारे काम करते हैं, खुद सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका श्रेय सबको देने के लिए इतना आतुर व्यक्ति तो राजनीति में मैंने देखा नहीं है। ये इनके बहुत बड़ा भड़कपन है और यही परमपिता परमात्मा इनके जो जो इनका कर्मठता है वो तो निश्चित तौर पर इनको और यशस्वी करेगा और आगे बढ़ाएगा। और मैंने देखा है कि ये ऐसे ऐसे नौजवानों को लेकर के उनको प्रोत्साहन देती है कि जिनको और कहीं से कोई शायद सहयोग नहीं मिलता। इन्होंने कुश्ती खेल दंगल कबड्डी मैंने देखा और सुदूर गांव के क्षेत्र में वहां पर शायद कोई और जाकर के उनको इतना सहयोग नहीं करता, इतना लतिका जी जाकर के करती है, इतनी ऊर्जा आपमें है। तो मैं कभी नहीं देखता कि कार्यक्रम क्या है, किसने आयोजित किया है, उसका स्वरूप क्या है। बहन जी ने कह दिया मेरे पास समय है तो मैंने आना ही है, मैं आना ही। बहन जी तो बिना कहे को बहुत काम करती है, बिना कहे बिना अपेक्षा किए। तो इस शहीद भगत सिंह जी के नाम पर जो आपने टूर्नामेंट रखा है मुझे ये बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। आमतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्र में या कोई लोकल टूर्नामेंट तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट शहीद भगत सिंह जी के नाम पर शायद पहला होगा, पूरे विश्व में शायद पहला होगा। शहीद भगत सिंह जी का नाम वो केवल भारत और पाकिस्तान की आजादी के लिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए नहीं, शहीद भगत सिंह जी की जो स्मृतियां हैं, जो उनकी शहादत की जो कहानी है वो पूरे विश्व की जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन होते हैं उनमें शहीद भगत सिंह जी को आज भी विश्व का सबसे बड़ा एक युवा बलिदानी के तौर पर याद किया जाता है। और उनकी पहचान को आप श्रीलंका और यूएई तक लेकर के जा रहे हैं, विश्व के मानचित्र पर शहीद भगत सिंह जी की शहादत को याद किया जाएगा। तो मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि जो प्रत्येक खिलाड़ी आए उनको जहां आप कुछ उनके साथ में उनका मोमेंटो दें उसके साथ में शहीद भगत सिंह जी की शहादत पर अंग्रेजी में आप जरूर उनको ये बताएं कि वो किस प्रकार का वो एक देश का महान क्रांतिकारी थे, जो केवल मात्र एक रेवोल्यूशनरी इस तौर पर क्रांतिकारी नहीं थे कि मैंने देश को आजाद कराना है मुझे जान की परवाह नहीं है। वो एक ऐसे विचार के क्रांतिकारी थे जो बहुत ही गंभीर विचार थे, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में दुनिया के विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए 23 वर्ष की आयु में इतना उच्च स्तर का बौद्धिक क्रांतिकारी दुनिया में शायद नहीं हुआ होगा, जिन्होंने न जाने कितनी पुस्तकों का अध्ययन किया और उन्होंने अपने भारत माता के लिए सर्वस्व कुर्बान करने का निर्णय लिया। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, मैसेज में मैं किसी फिल्म स्टार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें मैसेज इस प्रकार के आया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग हीरो हैं, किसी का हीरो जेल की सजा पाते ही वो रोने लग जाता है और मेरा हीरो फांसी की सजा सुनते ही हंस पड़ता है। मेरा हीरो भगत सिंह कि भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी,
भगत सिंह जी के पास, शहीद भगत सिंह जी के पास भी ये माफी मांगने का विकल्प था। शहीद भगत सिंह जी भी उस 23 वर्ष की आयु में भरे पूरे जीवन जो भविष्य का था अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकते थे, और कोई भी मां और कोई भी भाई बहन, कोई भी पिता, चाचा, दादा अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहता, परिवार का भी दबाव रहा होगा, और कोई 23 वर्ष की आयु में अपने जीवन लीला को समाप्त नहीं करना चाहता है। उसके लिए वो जो भगत सिंह जी की शहादत है उसके स्तर को समझना होगा कि वो कोई दीवाना क्रांतिकारी नहीं था। उनको जब ये विकल्प पूछा गया था कि माफी मांगने से या किसी तरह से जान बच जाए तो आप इस क्रांति को और आगे ले जा सकते हो, आप जैसा नेता बार बार इस क्रांतिकारी दल को नहीं मिलेगा, भगत सिंह जी ने कहा था, इस सोई हुई भारतीय कौम को जगाने का काम जिंदा भगत सिंह शायद इतना ना कर पाए जितना शहीद भगत सिंह कर पाए। उन भगत सिंह जी की शहादत के स्तर को समझना होगा। उन्होंने समझा कि मैंने जी ना एक दिन मरना तो है, लेकिन जिंदा रह करके मैं शायद सोई हुई कौम को उतना न जगा पाऊं जितना मेरी शहादत इस सोई हुई कौम को जगा पाई। वो बहुत सोच समझ करके अपने प्राण को न्यौछावर करने का और उस फांसी के फंदे को उन्होंने हंसते हंसते चूमने का काम किया। ऐसा महान क्रांतिकारी केवल हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, आज का बांग्लादेश नहीं, हम तीन राष्ट्र तो एक ही राष्ट्र का अंग रहे हैं, अखंड भारत का अंग है। आज नेपाल के लोग भी खेलने के लिए आएंगी, हमारी बहनें, श्रीलंका भी हमारे भारतीयों को महाद्वीप का हिस्सा है, नेपाल भी हमारे भारतीयों को महाद्वीप और हमारे भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है, हमारी सनातन इतिहास का ही ये हिस्सा है। नेपाल से लेकर श्रीलंका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां से भी जो खिलाड़ी आएंगे कहीं ना कहीं उनका भारतीय संस्कृति से वास्ता है। तो शहीद भगत सिंह जी के नाम पर आपने इतना बड़ा ये आयोजन किया है, मैं इस आयोजन की विशेष सफलता केवल बेटियों को खिलाने के लिए, बेटियों को खेलने का अवसर देने के लिए नहीं, बल्कि शहीद भगत सिंह जी के नाम को आपने इस आयोजन के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर पहुंचाया। मैं बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपका आयोजन सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।